हेलो बच्चों, ये देख लीजिए। अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ढूंढ रहे थे तो बहुत बढ़िया वीडियो आपके सामने है। यहाँ से आपको नई वेबसाइट जो है, एसएससी ने जो नई वेबसाइट लॉन्च की है वो भी मिल जाएगी। पुरानी वेबसाइट से आप लोग ओटीआर ना करें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर आप इसी वेबसाइट से करें। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अब देख लीजिए। अगर आप पहली बार एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, अब तक आपने एसएससी का कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको ओटीआर भरना पड़ेगा। और ओटीआर का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आप भविष्य में कभी भी आपको ओटीआर भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आप देख लीजिए, ओटीआर में पर्सनल डिटेल मांगा जाता है, पासवर्ड क्रिएशन होता है, एडिशनल डिटेल्स होता है जिसमें एड्रेस, एजुकेशन मांगी जाती है आपकी, ठीक है? आपने कहाँ से पढ़ाई की, क्या पढ़ाई की, लास्ट में आपका डिक्लेरेशन होता है, ये कन्फर्मेशन होता है। अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने पेज खुलेगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव ए आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस कर देंगे। यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ, ये एक काल्पनिक नंबर है, ठीक है? उसके बाद वेरीफाई, आप यही आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर से डाल देंगे। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ठीक है? टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड में यहाँ पर आप लोग अपना लाइसेंस डाल सकते हैं, या आधार कार्ड जो है आपका वो भी डाल सकते हैं। अगर आपका लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, तो उसका यहाँ नंबर डाल देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है? अब इसमें देख लीजिए क्या मांगता है, कौन कौन से कार्ड आप लगा सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कार्ड में। उसके बाद कैंडिडेट नेम है, फिर वेरीफाई कैंडिडेट, यहाँ पर आप नाम दोबारा कर देंगे, ठीक है? अगर आप चेंज करना चाहते हैं, हैव यू इवर चेंज ये नेम, आपने कभी अपना नाम चेंज कराया है कागज में, तो आप वो भी डाल सकते, वो भी डालेंगे यहाँ पे। जेंडर डालेंगे, मेल है मेल, फीमेल है फीमेल, ठीक है? यहाँ आप अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ कर देंगे, वही डेट ऑफ बर्थ फादर नेम डालेंगे, और उसके बाद वेरीफाई फादर नेम कर देंगे, फिर मदर नेम, ठीक है? इस तरह पूरा भरने के बाद, जब आप पूरा भर देंगे, यहाँ पर आपकी मेल आईडी मांगेगा। अगर आपकी मेल आईडी नहीं तो आप मेल आईडी बनवा लीजिए, बना लीजिए, ठीक है? एक मेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी, अपना जो मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं तो अपने पापा का, मम्मी का, किसी का नंबर डाल सकते हैं जिसमें ओटीपी आएगी। उसके बाद सेव करके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये आपका पहला चरण हो गया। इसको जैसे ही आप कर देंगे, जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन में पहला पर्सनल डिटेल वाला चरण पूरा कर लेंगे, उसके बाद आपके पास पासवर्ड क्रिएशन, क्रिएट न्यू पासवर्ड, यहाँ पर अपना पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। इसको करने के बाद फिर आपके सामने एडिशनल डिटेल आएगी, जिसमें आपको अपना एड्रेस, एजुकेशन और एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, वो भर देना है। लास्ट में आपको डिक्लेरेशन करने के लिए आएगा, कैंडिडेट डिटेल कन्फर्मेशन, इसमें आपको कन्फर्म कर देना है, ठीक है? तो ये टोटल चार चरण है। अगर आपको लगता है कि आपको स्टेप टू स्टेप एक एक वीडियो बना के दिखा दिया जाए किस तरह पासवर्ड क्रिएशन होता है, एडिशनल डिटेल्स किस तरह भरी जाती है और डिक्लेरेशन, तो आपको मैसेज कर सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने संक्षेप में आपको बता दिया है, इतनी हेल्प आपके लिए बहुत रहेगी आशा करता है। अगर आपको फिर कोई संशय कन्फ्यूजन है तो आप लोग इनबॉक्स कर सकते हैं, और आप लोग डिस्कशन में जाकर अगर एसएससी फेज 12 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको कोई प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर ऑनलाइन बुक मिल जाए, तो आप लोग डिस्कशन से सीधे लिंक पर जाके वो मंगा सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।